आप देख रहे हैं शोषित पीड़ित समाज की मजबूत आवाज़, एकलव्य मानव संदेश। हम आपको दिखा रहे हैं बिहार में किस तरह से मुकेश साहनी ने निषादों को गुमराह करके भाजपा के पाले में ले जाने के लिए एक बड़ी योजना के तहत काम किया है, और राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो महागठबंधन कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का है उसको धोखा दे करके, समाज के लोगों को मूर्ख समझ करके, पैसे की खातिर, क्योंकि मुकेश साहनी का कहना है कि मैं 1 रुपये को 100 रुपये में बदलता हूँ, उसी पैसे के लालच ने, जब पहले पिछले चुनाव में मुकेश साहनी ने भाजपा का प्रचार हेलीकॉप्टर के माध्यम से किया था, भाजपा ने उनको पैसा और हेलीकॉप्टर मुहैया कराया था, ऐसे ही लालच में इस बार फिर मुकेश साहनी यहाँ एक गठबंधन को तोड़ करके, जो उनको 7 लोक विधानसभा सीटें दे रहा था, अब आज समाचार है कि मुकेश साहनी भाजपा और के साथ चुनाव लड़ेंगे बिहार में, जहां उनको 3 या 2 सीटें मिलने की संभावना है। तो इसका मतलब 7 सीटें छोड़कर 2-3 सीटों के साथ जाना मुकेश साहनी को भारी पड़ेगा। क्यों भारी पड़ेगा? कि उन्होंने 7 सीटें छोड़ी हैं महागठबंधन के साथ। महागठबंधन जो 15 साल से नीतीश कुमार के कुशासन का शिकार है, जनता उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, भाजपा से अपने इन गरीबों को बचाने के लिए कृत संकल्पित है, उसको धोखा दे करके और फिर भाजपा के पाले में गए हैं। ये सबसे बड़ी धोखेबाजी हुई है। और सुनिए क्या कहा है पूर्व सांसद डॉक्टर अनिल कुमार साहनी जी ने इस वीडियो के माध्यम से। इसको ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आज भाई अरविंद साहनी जी ने विस्तार से आपको बताने के काम किए हैं कि किस प्रकार से मुकेश साहनी जी ने हमारे बिहार के भविष्य प्रभावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ आज 3 महीना से बात कर रहे थे। कल भी जिस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद आप लोग उपस्थित रहे होंगे, उन्होंने किस प्रकार से ड्रामेबाजी की कि किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारे महागठबंधन के, चाहे वो कांग्रेस के भी हो, चाहे सीपीआई के हो, सीपीएम के हो, इतनी सादगी से उनके बातों को सुना और किस प्रकार से उन लोगों ने सादगी पूर्ण भरे माहौल में उनके बात को सुना और उनके जो बात का जो विचार था, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बात बताने की कोशिश की कि हमको कई ठो लोकसभा सीट मिला और कई गो पर हम लड़े आए, बताएं कि जो है सो मधुबनी सीट जबरदस्ती दिया गया, मुजफ्फरपुर जबरदस्ती दिया गया, तो मुजफ्फरपुर तो मेरे नाम पर दिया गया, लालू जी का वहाँ है, और मेरा टिकट ना देके किसको टिकट दिए, पूरा मुजफ्फरपुर के लोग जानते हैं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं। दूसरा बात मैं कहना चाहता हूँ, जिस संस्था, जिस वर्ग के, जिस जाति के, जिस जमात के अगर लोग व्यापारी होंगे तो वहाँ के लोग भिखारी होंगे। उन्होंने क्या कहा कर, हम 1 रुपया के 100 रुपया कराना जानते हैं, 1 रुपया को 100 रुपया कैसे बनेगा ये मैं बनाना जानता हूँ। तो हमारे यहाँ था तुमको ये वो टिकट मिल रहा था, अब जहाँ गए हो 100 टिकट ले लो। एक टिकट हमारे तेजस्वी यादव जी देने के लिए तैयार थे कि आप अपने खुद लड़िए। इस पर जब बात आपको नहीं बनी तो आप जाके भाग गए उठकर और प्रेस को, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जो है से इस बात को कहा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप 1 रुपया को 100 रुपया बनाते हैं तो आपको 1 टिकट यहाँ से मिल रहा था, तो आप 100 टिकट लेकर दिखा दीजिए। हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री मांग रहे थे तो आप मुख्यमंत्री बनकर दिखा दीजिए।